हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए मंथ का मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर आई हूँ और वो है अगस्त का वेट लॉस डाइट प्लान। और अब की बार मैं एक बजट डाइट प्लान लेकर आई हूँ, यानी कैसे बिना ज़्यादा खर्चा किए हुए, बिना ज़्यादा पैसे स्पेंड किए हुए आप एक हेल्दी, एक न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे अगस्त के वेट लॉस चैलेंज में से, एंड देन आई विल बी शेयरिंग अ कंप्लीट डिटेल्ड मील प्लान विद यू ऑन अ डेली बेसिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ पिलर्स होते हैं अगर आपको बजट डाइट मेंटेन करनी है उसके लिए, जैसे कि नंबर वन, फॉर अ हेल्दी लो बजट डाइट यू हैव टू मेक श्योर कि आप 95% होम कुक्ड फूड कंज्यूम करें, और स्पेशली कॉन्डिमेंट्स, यानी जो हम ये डिप्स या फिर जो केचप्स या बाकी जो चीज़ें यूज़ करते हैं एज अ साइड, साथ ही कोशिश करें जितनी हो सके लोकल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही डाइट में इंक्लूड करें। कोशिश करें लोकल और रीजनल ग्रेन्स एंड पल्सेस यूज़ करें। साथ ही ऑब्वियसली इफ़ यू आर ऑन अ बजट डाइट तो आप ऑर्गेनिक फूड ना खाएं। अगर ऑर्गेनिक नहीं खा सकते तो कोशिश करें फ्रेश खाएं और ज़्यादा फ्लैशी चीज़ों के पीछे ना जाएं। सिंपल चीज़ें जो दिखें वो घर लेकर आएं। फूड वेस्टिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होती है लो बजट डाइट के अंदर। प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। नो फैंसी इम्पोर्टेड और फूड्स विच आर एग्जॉटिक इन नेचर। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ। कीनवा जो है अभी इंडिया में ग्रो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस काफ़ी हाई है। एक किलो जो कीनवा है वो आपको 250 से 400 के बीच में मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो ऑर्गेनिक है नहीं है, कैसी पैकेजिंग है उसकी। वहीं अगर हम बात करें उसी के टक्कर की एक लोकल फूड की, जो कीनवा की तरह ही एक सूडो ग्रेन है, कीनवा की तरह ही उसके अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, क्वालिटी प्रोटीन है, तो वह है एमरेंथ, जिसे रामदाना, राजदाना या चौलाई भी कहा जाता है। उसका प्राइस मैं बताऊं तो एक किलो आपको वो 150 रुपये से आराम से 200 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह इस डाइट में मैं आपको सब्स्टिट्यूट सजेस्ट करूंगी कि आप कैसे ऑन अ लो बजट एक बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस्ड डाइट मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगस्त के वेट लॉस चैलेंज में हमने डाइट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। सो इस डाइट प्लान में आपको मिनिमम 12 घंटे का फास्ट रखना है, यानी मॉर्निंग में 7 बजे अगर आप पहली छोटी मील लेते हैं तो शाम को 7 बजे आपको लास्ट मील कंज्यूम करनी है। आप इसे छोटा करके 13 भी कर सकते हैं, 13-10 की फास्टिंग, या 14 भी, जहां पर ब्रेकफास्ट आप लेट करें, लेकिन ट्राई करें डिनर आप 2-3 घंटे पहले सोने से ख़त्म कर लें। 9 ग्लास आपको पानी पीना है मिनिमम। 6 मील्स होंगी डाइट प्लान में, 3 बहुत ही छोटी और 3 मीडियम साइज की। 4 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स कंज्यूम करना है, 1-2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड 4 सर्विंग्स ऑफ क्वालिटी बजट प्रोटीन। लेट्स स्टार्ट विद अगस्त वेट लॉस मील प्लान। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होंगे मॉर्निंग ड्रिंक्स इस मंथ में। तो यहाँ पर हम सुबह की शुरुआत करेंगे एक ग्लास गुनगुने यानी ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ, और उसके बाद आपको बैठना है योगी पोज में, जिसे गार्लैंड पोज भी कहते हैं, आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए। और ये बहुत अच्छा आसन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके सिस्टम को क्लियर करने के लिए। पहली छोटी मील की बात करें तो वो है कोई भी एक सीजनल फ्रूट या फिर हैंडफुल ऑफ सोक्ड पीनट्स। आप इसको हल्का सा शाम को रोस्ट करके सोक कर दीजिए, और फिर मॉर्निंग में आप इसे एक सॉफ्ट डेट के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। इस डाइट प्लान में 6 मील्स आपको कंज्यूम करनी है, 3 मैं कहती हूँ माइक्रो मील्स एंड 3 मीसो मील्स, यानी मीडियम साइज की मील्स। तो कोई भी हैवी मील्स हम इस डाइट में कंज्यूम नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट की। तो पहले हफ्ते में ब्रेकफास्ट में है एक मूंग दाल का और सूजी का चीला, 1 कप वेजिटेबल, इन्हें आप स्टीम कर सकते हैं, हल्का सा सौते कर सकते हैं किसी भी हेल्दी ऑयल में, और अगर आप इन्हें स्टीम कर रहे हैं तो आप इनके साथ कोकोनट की चटनी ले सकते हैं। दूसरे दिन है लो बजट की बहुत ही डिलिशियस हाई प्रोटीन स्मूदी, इसकी रेसिपी आपको फिट फूड फ्लेवर्स पे मिल जाएगी। इसके बाद हम वेंसडे को करेंगे डिटॉक्स, जिसमें मल्टी वाइटामिन जूस होगा, सिंपल बीट रूट, कैरेट एंड करी लीव्स का एक हेल्दी डिलिशियस जूस।
नेक्स्ट थर्सडे है आधा कटोरी मिक्स वेज पोहा, जिसे स्टीम वेजिटेबल के साथ आप लेंगे। फ्राइडे को एक छोटा सा चीला हम लेंगे बेसन का विद वेजिटेबल्स एंड ग्रीन चटनी। आप इसको हल्का सा थिक करके बना सकते हैं, और बहुत ही छोटा हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सैटरडे है एक कटोरी वेजिटेबल उपमा विद वेजीज। संडे को सत्तू और प्याज का एक पराठा आप लेंगे, जो मीडियम साइज का होगा थिकनेस में भी। वहीं नेक्स्ट वीक के ब्रेकफास्ट की बात करें तो एक रागी और मूंग दाल का पैनकेक, इसकी रेसिपी आपको मेरे रेसिपी चैनल पर मिल जाएगी विद वेजिटेबल एंड पीनट चटनी। इसके बाद है सत्तू स्मूदी मेड इन कर्ड, मल्टीविटामिन जूस अगेन ऑन डिटॉक्स डे, सेवियां उपमा उसके अगले दिन, दाल का पराठा फ्राइडे को जिसे आप घर के बने हुए थोड़े से मक्खन के साथ ले सकते हैं। इसके बाद है ओट्स का उपमा विद वेजिटेबल्स एंड संडे को है घर का बना हुआ ग्रेनुला। इसके बाद अगर मैं मिड डे मील की बात करूं तो उसमें ऑप्शंस हैं, आप एक कोई भी फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, आप गुड़ चना ले सकते हैं, स्पेशली आयरन में बहुत रिच होता है, फूल मखाना या फिर स्टीम की हुई वेजिटेबल्स थोड़ी से हमस के साथ जो आप घर पे बना सकते हैं। अब बात करते हैं लंच की, जो पूरे दिन की हमारी सबसे बड़ी मील होगी, क्योंकि एज पर आयुर्वेदा इस टाइम पर आपकी डाइजेस्टिव अग्नि सबसे हाई होती है। तो ऐसे में 2 बजे से पहले अगर आप अपना लंच खत्म कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लंच के ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले है 1 मीडियम बोल ऑफ बॉइल्ड चना, काला चना हम लेंगे और स्टीम वेजिटेबल्स के साथ उसे आप खाएंगे। इसमें ड्रेसिंग के लिए आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है चना दाल विद रोटी, सब्जी एंड दही। वेंसडे को है मिक्स वेज सैलेड, सीजनल सब्जियां लेनी हैं, रीजनल सब्जियां लेनी हैं, लोकल जिनके दाम कम हों। मूंग दाल और रागी रोटी विद वेजिटेबल्स। फ्राइडे को है लोबिया की सब्जी विद वेजिटेबल्स एंड 1 रोटी। राजमा के साथ आप, वैसे मैंने राइस लिखा है लेकिन एमरेंथ यानी चौलाई भी आप बॉईल करके ले सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहेगी एज कम्पेयर टू राइस। सब्जी और रायता। संडे को यहाँ पर लव मील है, यानी आप चीट मील ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। नेक्स्ट वीक 1 मीडियम बोल ऑफ चौलाई पुलाव, जिसे आप सैलेड और कर्ड के साथ इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट इज अगेन लोबिया करी विद वेजीज, रोटी एंड दही। ऑन डिटॉक्स डे वी हैव सैलेड। थर्सडे को है मीडियम बोल मसूर दाल की आप लेंगे, और साथ ही वेजिटेबल एंड कर्ड। यहाँ पर भी राइस को आप चौलाई से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फ्राइडे को है 1 कप छोला विद राइस अगेन। यहाँ पर आप कोई भी मिलेट भी रिप्लेस कर सकते हैं जो आपके एरिया में है, और आपके वहाँ पर जो भी सीज़न है उसके अकॉर्डिंगली। सैटरडे को है रागी रोटी, या फिर आप रागी के मूडे बना सकते हैं। आप ये रेसिपी मेरे रेसिपी चैनल पर देख सकते हैं, इट्स वेरी डिलिशियस एंड इट्स वेरी हेल्दी। और वेजिटेबल्स हम लेंगे। अगेन संडे को है योर लव मील। नाउ पोस्ट एवरी मील 30 to 40 मिनट्स आप या तो ल्यूकवॉर्म वाटर ले सकते हैं, या फिर सिर्फ इन्फ्यूज़ करके जिंजर एंड क्लोव की टी, यानी आपको बहुत देर उबालना नहीं है, गर्म पानी करके उसके अंदर डिप कर देना है थोड़ा सा जिंजर एंड क्लोव, और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं सिप बाय सिप। या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, डाइजेशन को बूस्ट करेगा, प्लस आपकी इम्यूनिटी भी बनाए रखेगा इस सीजन के दौरान। नेक्स्ट कम्स आर इवनिंग स्नैक। वहीं इवनिंग स्नैक के ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर आप होममेड एनर्जी बार्स, मुरमुरा नमकीन या कोई भी पफ्ड ग्रेन ले सकते हैं। आप खाखरा भी ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ पीनट्स, या फिर 1 कप यानी 250 ml के आसपास दूध के साथ। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर की बात करते हैं, चलिए डिनर में सबसे पहले है दाल का सूप, पम्पकिन की सब्जी यानी कद्दू की सब्जी, वेजिटेबल एंड रोटी। नेक्स्ट है वेजिटेबल दलिया, जिसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेंसडे को है स्टू। स्टू का मतलब होता है कि बहुत सारी सब्जियां आप किसी सूप बेस के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। थर्सडे को है सोया चंक का सूप, ग्रिल वेजिटेबल्स एंड 1 रोटी। नेक्स्ट है टमेटो का सूप, यानी टमाटर आपको बहुत पतला सा एक सूप रेडी करना है, भिंडी की सब्जी और चौलाई का दलिया। नेक्स्ट इज मल्टीग्रेन दलिया, यहाँ पर भी आप चौलाई दाल जो भी अवेलेबल है उन्हें मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं विद वेजिटेबल सूप, और या आप कंबाइन भी कर सकते हैं।
और फिर चीट मील के बाद संडे को दाल का सूप हल्का सा आप लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। नेक्स्ट वीक है रागी की रोटी, सोया चंक और कैप्सिकम की सब्जी। ट्यूसडे को है मीठा दलिया, जिसे आप कैरेट के साथ बना सकते हैं। अगेन ये सारी रेसिपीज़ आपको मेरे रेसिपी चैनल पर मिल जाएंगी। और वेंसडे को है हमारा वेजिटेबल स्टू। एक दिन मैंने यहाँ पर दो हफ्ते में पनीर भी ऐड किया है। वैसे बाकी जितने भी सोर्सेज हैं वो कंप्लीट प्रोटीन और क्वालिटी प्रोटीन के हैं, लेकिन आप चाहें तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। मैंने लो फैट पनीर की रेसिपी शेयर की हुई है। फ्राइडे को है मल्टीग्रेन वेजिटेबल खिचड़ी, सैटरडे को है मिक्स वेज सूप। यहाँ पर आप इसे मूंग दाल की खिचड़ी के साथ भी ले सकते हैं। एंड अगेन आफ्टर योर मील दैट यू एंजॉय योर लव मील, आप दाल का सूप लेंगे। बेड टाइम ड्रिंक की यहाँ पर बात करूँ तो मैंने हाल ही में इसी चैनल पर एक स्पेशल इस सीज़न की टर्मरिक यानी हल्दी की चाय शेयर की है। उसे आप ज़रूर एज अ बेड टाइम ड्रिंक अपनी डाइट में इंक्लूड करें, इट विल बी हाईली हाईली बेनिफिशियल। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हो तो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको। शेयर योर एक्सपीरियंस एंड फीडबैक। इस डाइट प्लान का आपको अगर प्रिंट आउट लेना है तो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर, बाय बाय।